तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है हमारा गूगल की तरफ से पिन वेरिफिकेशन के लिए ये लेटर जो कि आता है गूगल एडसेंस की तरफ से जब भी आपके $100 करीब होते हैं होने के लिए, और ये जब आता है नॉर्मली जब आपके $10 आपके गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर हो जाते हैं, उसके बाद आपका ये वेरीफाई करने के लिए आपको पिन दिया जाता है जो कि गूगल एडसेंस की तरफ से आता है। अब ये किस तरीके से आता है ये तो खैर इसके ऊपर वीडियो बना तो नहीं सकता मैं, क्योंकि थोड़े आधार कार्ड वगैरह उसमें जो भी है उसमें देना पड़ता है, क्यों आधार कार्ड हो गया अपना या पैन कार्ड हो गया, ये काफ़ी सारी डिटेल होती है जो कि उसमें देनी पड़ती है, उसके ऊपर मैं वीडियो सेपरेट नहीं बना पाया किसी वजह से। लेकिन उसके बाद आपको ये रिसीव होता है जब भी आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड उनको रिसीव आपको उनको सबमिट कर देते हैं। वैसे आधार कार्ड नहीं दे सकते उसमें, मैं आपको बता दूँ, आप उसमें पासपोर्ट दे सकते हैं या फिर अपना पैन कार्ड दे सकते हैं या फिर कोई भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा दिल्ली का या फिर कहीं जहाँ पे भी आप रहते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा परमानेंट एड्रेस का जो भी मेरा पैन कार्ड था मैंने वो यहाँ पर दिया और उसके बाद मेरे को ये मिला है, जिसके बाद आप इसके अंदर जो पिन होगा उसके साथ हम अपना गूगल एडसेंस को वेरीफाई करेंगे अपने एड्रेस के साथ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। यहाँ आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और इसी के साथ मैं अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा कि मेरे किस तरीके से यहाँ पर कितने डॉलर हो रखे हैं और मैं पूरा यहाँ पर आपको शो करके दिखा देता हूँ, मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे $12 हो चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया $10 पर ये आपको पिन वेरीफिकेशन आपको मिल जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वेरीफाई के लिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर एक एक्शन का बटन आता है जिससे आप यहाँ पर अपने पेमेंट में जाके ठीक है अपनी प्रोफाइल में जाकर वहाँ पर अपना जो भी है अपना एड्रेस प्रूफ देते हैं और जैसे पैन कार्ड या फिर जो भी जैसे मैंने बताया अपना पासपोर्ट वगैरह देकर अपना यहाँ पर वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जिसके बाद आपको एक मेल यहाँ पर रिसीव होगा और मेल रिसीव होने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर या फिर जितना भी इसको टाइम लगता है, वैसे तो बोला हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 4 वीक यहाँ पर लग सकते हैं आपको पिन जो होता है आपको रिसीव होने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ मेरे को 4 दिन के अंदर मिल गया। जी हाँ, मेरे को ये 4 दिन के अंदर मिल गया, मैंने बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस, यानी मेरी पेमेंट जो है वो यहाँ पर होल्ड कर ली गई है क्योंकि मैंने अपना एड्रेस वेरीफाई नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर वो गायब हो चुकी है। अगर आपको भी ऐसा कोई दिक्कत आ रही थी तो वो यहाँ पर गायब हो जाएगी, इसके बाद वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप पिन वेरीफिकेशन कर सकते हैं अपना। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस के पिन को वेरीफाई कर सकते हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, साथ ही मन में भी कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।